हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्मॉल इंडस्ट्री से बिग इंडस्ट्री में आप जॉब कैसे लें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन भी क्लिक करिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप स्मॉल इंडस्ट्री से बिग इंडस्ट्री में जॉब स्विच कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी है, वो कोई भी कंपनी हो, एक स्मॉल इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, कोई भी एक कंपनी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहां पे आपको मिनिमम 3 ईयर जॉब करना है। 3 ईयर जॉब करने में आपको बहुत सारी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वो स्मॉल इंडस्ट्री होगी, तो वहां पे हो सकता है आपको 10 घंटे 12 घंटे भी जॉब करनी पड़े, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको आउटडोर भी जाना पड़े जॉब के लिए। आप किसी भी ब्रांच में अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप सपोज मैं बीटेक की बात कर लेता हूँ, बीटेक मैकेनिकल की बात कर लेता हूँ, अगर आप क्वालिटी में इंटरेस्टेड है तो क्वालिटी में जॉब करें, मिनिमम 3 साल जॉब करें। अगर आप प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है तो प्रोडक्शन में जॉब करें, अगर आप डिजाइन में इंटरेस्टेड है तो डिजाइन में जॉब करें। आपका जिसमें भी आपका सबसे ज्यादा रुचि है आप उस डिपार्टमेंट में जॉब सबसे पहले ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप वहां पे 3 साल तक आप एकदम कंटिन्यूअसली जॉब करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें ताकि आपको जो सारा नॉलेज है वो गेन हो सके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी ऐप के थ्रू, जैसे लिंक्डइन हो गया, Naukri.com में आपको अपनी आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद आपको कंटिन्यूअसली बड़ी कंपनी में अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई आपको करना है, अगर आप अप्लाई करते हो, होता क्या है कि बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, एज अ फ्रेशर को छोटे मोटे कॉलेज से एज अ फ्रेशर को नहीं लेती है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस दिखेगा उन कंपनियों में, ठीक है, तो वो कंपनी आपको शॉर्टलिस्टेड करेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा जहां पे एचआर राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, 3 साल 5 साल मिनिमम आप जॉब कर लेते हैं छोटी इंडस्ट्री में या स्मॉल इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में, उसके बाद बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गया, आपका टाटा हो गया, टोयोटा हो गया, कोई भी बड़ी कंपनी, विप्रो हो गई, तो आपको वो नोटिस करती है इस बंदे का एक्सपीरियंस है, तो उसे वो लोग उसको शॉर्टलिस्टेड करती है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 5 साल आप उस कंपनी में जॉब करें, 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल जॉब करें छोटी इंडस्ट्री में, उसके बाद आपको वहां पे जॉब बुक करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको छोटी कंपनी में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। 3 साल से 5 साल आप वहां पे जॉब करें, उसके बाद बड़ी कंपनी में अप्लाई करें Naukri.com के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, पर डे अपना प्रोफाइल अपडेट करें Naukri.com के थ्रू, उसके बाद आपका जॉब बहुत ही अच्छे से और इजीली तरीके से आपका हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि आप स्मॉल इंडस्ट्री में जॉब किए हुए हैं, तो आपको सारा नॉलेज होगा जो भी कंपनी में काम होता है, ठीक है। तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि इंटरव्यू भी उतना टफ नहीं होता है, होता है 3-4 राउंड होता है इंटरव्यू, बट उतना टफ नहीं होता, बहुत इजीली वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।